ऑर्किड इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। जब हमारी टीम ने उन बच्चों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज हम अपने देश के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी से मिले। उनसे मिलकर हम लोगों ने देश के हित में सवाल किए, जिससे हम अपने देश के लिए क्या कुछ और अच्छा कर सकते हैं। और ओम बिरला जी से मिलने के बाद बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं था। बच्चों का कहना था कि हम उनको टीवी में देखते थे तो बहुत प्रभावित होते थे, आज उनसे मुलाकात हुई ये हमारे लिए गर्व की बात है। और क्या कुछ कहा सभी बच्चों ने, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। ऑर्किड इंटरनेशनल स्कूल साउथ 81। रिहान, किससे मुलाकात हुई आपकी कल? ओम बिरला जी जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं। कैसा लगा उनसे मिलकर? बहुत अच्छा लगा हमें उनसे मिलके। क्या आपने उनसे? कि हमारे देश की जो डेवलपमेंट है और हम कैसे आगे बढ़ेंगे वो सब हमने सीखा एक इतने यू नो रिस्पेक्टेड डिग्निटरी से, और हमें बहुत लर्निंग मिली उनसे। एंड हम सब बहुत ग्रेटफुल है कि हम उनसे मिले थे। अक्सर जब उनको आप टीवी पे देखते थे तो तब इच्छा होती होगी आपकी मिलने की, कभी इनसे मुलाकात होगी, और जब मुलाकात हो गई तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा हम क्योंकि हम कभी कभी जब न्यूज़ देखते थे, वैसे तो ज़्यादा देखते नहीं है, लेकिन हाँ जब हम न्यूज़ देखते हैं तो फिर दिखते हैं हमें वो, हम बहुत लगते हैं कि हम कभी ऐसे मन पाते क्या, हम कभी ऐसे इतने महान डिग्निटरी से मिल पाते क्या। हम लोग इसलिए मिलने थे क्योंकि हमें जानना था हमारे देश के बारे में, और हमें अपने कुछ सवाल पूछने थे जो हमारे देश के लिए अच्छे हो सकते हैं। सवाल हैं जो आपने उनसे पूछे होंगे? हमने पूछे थे कि हमारे देश के लिए क्या हम क्या क्या और कर सकते हैं जिससे हमारा देश और बेहतर हो जाए। और हमने पूछा था कि हमारे जो जैसे पुराने पुराण हैं उनके अंदर जो हमारे भगवान ने जो हमें विचार दिए थे हमें डेली यूज़ करने चाहिए, उसके बारे में हमने उनसे पूछा था कि आगे हम उसको कैसे उपयोग कर सकते हैं। स्कूल ने जब बताया कि ओम बिरला से मुलाकात करने चलते हैं, आपको मिलवाना है, कैसा लगा उस वक्त आपको? हमें बहुत अच्छा खुशी हुई क्योंकि हम कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते थे उन लोगों से ताकि हमारे को भी अच्छा लगे और हमें पता चले अपने देश के बारे में। आप लोगों को क्यों सिलेक्ट किया गया उनसे मिलवाने के लिए, और बच्चे क्यों नहीं आए? वो तो पता नहीं, बट मेरे ख्याल से क्योंकि हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पता होगा। मेरा नाम ध्यानशी है और मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। ध्यानशी, 8वीं क्लास में आपने ओम बिरला से मुलाकात की जी, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। पहले जब हमें पता चला कि हम श्री ओम बिरला से मिलने वाले हैं तब लगा था कि हम उनको कैसे आमने सामना कर पाएंगे, उनसे कैसे हम उनसे मुलाकात कर पाएंगे, पर फिर जब हम मिले तब हमें ऐसा लगा कि ओम बिरला सर ने हमारे लोकतंत्र में बहुत सारे बदलाव किए हैं और हमें बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। जी, क्या नाम है आपका? मानवी। मानवी कौन सी क्लास में हो आप? मैं अभी 8वीं कक्षा में ही हूँ। 8वीं में हो, अच्छा। 8वीं क्लास में जाने के बाद आप एक बड़े हस्ती से मुलाकात आपकी हुई, स्कूल वालों ने आपको मिलवाया, कैसा लगा सबसे पहले? बहुत अच्छा लगा हमें, लाइक ओम बिरला से मिलके और अमित त्रिपाठी और ऋषभ शाह से भी हम मिले। और क्या कुछ सीखने को मिला आपको? हमने बहुत कुछ सीखा, हमने भारत में क्या क्या बदलाव हुए उनके बारे में सीखा, जो नई पॉलिसीज डेवलप हुई है और कि उनका क्या लाइक पार्टिसिपेशन है, वो कैसे हमारे देश को लाइक एक नंबर वन देश बनाना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो स्कूल को थैंक यू बोलोगे आप? हाँ, हम लोग बहुत थैंकफुल है कि हमारे स्कूल ने हमें कैसा मौका दिया कि हम इतने बड़े सेलिब्रिटी से मिल पाए हैं। NBC News के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।